जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स आज इस क्लास में हम आपकी इंग्लिश की ब्रिज कोर्स की स्टूडेंट्स वर्कबुक से यूनिट नंबर इलेवन जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता को कंटिन्यू और कंप्लीट करने वाले हैं स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम इस यूनिट की चार एक्टिविटीज कर चुके हैं पिछली क्लास में जो स्टोरी हमने पढ़ी एक लाइन यानी शेर और एक एलिफेंट यानी हाथी की तो स्टूडेंट्स आपको अगर याद है तो उस स्टोरी में शेर और हाथी दोनों झगड़ा करने वाले थे लेकिन हाइनास यानी लकड़बग्घों के डर से फिर वो झगड़ा करने का विचार अपने मन से निकाल देते हैं तो स्टूडेंट्स इसी स्टोरी पर बेस्ड अब एक्टिविटी नंबर फाइव हम स्टार्ट करते हैं रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज एंड नोटिस द डिफरेंस स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रक्शन ये निर्देश आपको दिया गया है कि आगे आने वाले पेयर्स यानी जोड़े सेंटेंसेस यानी वाक्य मतलब आगे आने वाले वाक्यों के जोड़ों को पढ़िए एंड और नोटिस द डिफरेंस और जो डिफरेंस है यानी जो अंतर है इन वाक्यों में उस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स नंबर वन पर जो पेयर यानी जोड़ा दिया हुआ है वाक्यों का जोड़ा उसमें पहला वाक्य है The lion told the elephant, "I have sharp teeth." शेर ने हाथी को बताया मेरे दांत जो बी पर सेंटेंस दिया है वो है द लायन टोल्ड द एलिफेंट दैट इट हैड शार्प टीथ शेर ने हाथी को बताया कि उसके दांत थे स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वाक्यों पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि शेर ने हाथी से जो शब्द कहे कि मेरे पैने दांत हैं, पहले वाक्य में वो शब्द वैसे ही लिखे हुए हैं शेर ने हाथी को बताया मेरे पैने दांत हैं और जो उसके द्वारा बोले गए शब्द हैं, उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद किया गया है स्टूडेंट्स ये इन्वर्टेड कॉमास कहलाते हैं जबकि जो नीचे वाक्य लिखा हुआ है जो दूसरे नंबर पर वाक्य है उसमें लिखा है द लैंड टोल्ड एलिफेंट दैट इट कि शेर ने हाथी को बताया कि उसके पैने दांत थे तो यहाँ वो शब्द नहीं बोले गए हैं जो कि शेर ने हाथी से कहे बल्कि उन उस शब्दों को शेर के शब्दों को किसी और के द्वारा बाद में बताया गया है स्टूडेंट्स तो ये तो पहला अंतर हुआ कि पहला वाक्य जो है उसमें ठीक वही शब्द बोले गए हैं जो कि बोलने वाले स्पीकर यानी कि ने जैसा कहा बस उन शब्दों को वैसा ही लिख दिया गया है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उन शब्दों को बंद किया गया है जबकि दूसरे वाक्य में उन शब्दों को थोड़ा बदला गया है वो शब्द वैसे ही नहीं लिखे गए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी नहीं लिखे गए हैं और उन शब्दों को बदलकर किसी और में वो बात बताई है कि शेर ने हाथी को कहा कि उसके पहने दांत थे यानी ये शब्द शेर के द्वारा बोले गए शब्दों से अलग हैं जो दूसरा अंतर है इन दोनों वाक्यों के बीच वो है समय का स्टूडेंट्स शेर ने हाथी को जो शब्द कहे कि मेरे पहने दांत हैं ये जब उसने ये शब्द बोले हैं ये पहला वाक्य ठीक उसी वक्त का है लेकिन जो दूसरा वाक्य है ये उस समय से कुछ आगे का समय है और ये बात रिपीट की गई है कि शेर ने हाथी को ऐसा कहा था तो समय का भी एक अंतर है जो इन दोनों वाक्यों के बीच है स्टूडेंट्स और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल जो दूसरा उदाहरण है उसे पढ़ते हैं एलिफेंट टोल्ड द लॉन आई एम स्ट्रांगर देन यू हाथी ने शेर को कहा आई एम stronger देन यू मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं अब स्टूडेंट्स जो दूसरा सेंटेंस है हम उसे पढ़ते हैं द एलिफेंट टोल्ड द लायन दैट इट वॉज स्ट्रांगर देन द लायन हाथी ने शेर को बताया कि वह शेर से ज्यादा ताकतवर या शक्तिशाली था तो स्टूडेंट्स वही अंतर इन दोनों वाक्यों के बीच भी है जो पहला वाक्य है उसमें जो हाथी के द्वारा बोले गए शब्द हैं जो हाथी ने शेर से कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ हाथी के ही शब्दों को यहाँ वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है और उन शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास के बीच बंद किया गया है जबकि जो दूसरा वाक्य है उसमें हाथी के द्वारा कहे गए शब्दों को बदल कर यहाँ लिखा गया है और समय का भी इन दोनों वाक्यों में अंतर है पहले वाक्य में ठीक उस समय ही जो बात कही गई वैसी की वैसी लिखी गई है जबकि ये शब्द जब हाथी के द्वारा शेर से कहे गए हैं उस समय के बाद किसी समय में यही बात दोबारा से कही गई है तो स्टूडेंट्स वही अंतर जो हमारे पहले दोनों वाक्यों में था वही अंतर इन दोनों वाक्यों में भी है स्टूडेंट्स कुछ और सेंटेंसेस को पढ़ते हैं द लाइन सेड वी शुड नॉट फाइट शेर ने कहा हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और जो दूसरा वाक्य दिया गया है द लाइन सेट That they should not fight. शेर ने कहा कि उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए तो स्टूडेंट्स यहां भी इन दोनों वाक्यों को आप नोटिस कीजिए वही डिफरेंस वही अंतर इन दोनों वाक्यों के बीच भी है पहला जो वाक्य है उसमें शेर के द्वारा कहे गए शब्द बिल्कुल ठीक उसी तरह लिखे गए हैं जैसा कि शेर ने कहा तो और इन शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद भी किया गया है जबकि दूसरे वाक्यों में शेर के द्वारा कहे शब्दों को बाद में रिपीट किया गया है बाद में उन्हें दोहराया गया है इसलिए उन शब्दों को थोड़ा बदला भी गया है और जो अप शब्द है, वो अपर्टेड कॉमास में नहीं लिखे गए क्योंकि ये शब्द शेर के द्वारा बोले गए शब्दों से अलग है पहले वाक्य में वो शब्द लिखे गए हैं जो कि शेर ने उसी वक्त कहे थे जबकि दूसरे वाक्य में जो शब्द है वो किसी और समय दोबारा से दोहराए गए हैं यानी समय का भी अंतर इन दोनों वाक्यों के बीच है स्टूडेंट्स दो और sentences आपको इस एक्टिविटी में दिए हुए हैं द लाइन सेट आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट शेर ने कहा मैं पहले पानी पीऊंगा और जो दूसरा वाक्य है द लाइन सेट दैट इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट शेर ने कहा कि वह पहले पानी पिएगा तो स्टूडेंट्स इसमें भी वही वाली बात है वही डिफरेंस है वही अंतर है पहला जो वाक्य है उसमें शेर के द्वारा कहे गए शब्द बिल्कुल उसी तरह से लिखे गए हैं और उन शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया गया है जबकि जो दूसरा वाक्य है उसमें शेर के द्वारा कहे गए शब्द दोबारा से दोहराए गए हैं और क्योंकि ये शेर के द्वारा कहे गए शब्द नहीं है इसलिए इनको इन्वर्टेड कॉमास में बंद नहीं किया गया समय का भी फर्क है पहला वाक्य ठीक उसी समय का है जब ये शब्द बोले गए हैं जबकि जो दूसरा वाक्य है वो किसी और समय का है जब ये बात दोहराई गई है स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को करने का जो पर्पज था जो उद्देश्य था वो ये था कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीख सकें स्टूडेंट्स इन चारों जोड़ी वाक्य में जो पहला पहला वाक्य था वो डायरेक्ट स्पीच में था जबकि जो दूसरे नंबर का बी वाला वाक्य था वो इनडायरेक्ट स्पीच में था कहने का मतलब है कि जब कोई स्पीकर यानी जो व्यक्ति या जो भी कोई बात कहता है तो उसके उन्हीं शब्दों को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं ऐसा वाक्य कहलाता है डायरेक्ट स्पीच लेकिन जब उन शब्दों को किसी और समय किसी और के द्वारा दोहराया जाता है तो फिर वो शब्द बदले जाते हैं वो शब्द जो बोले गए शब्द थे उनसे अलग होते हैं यानी कि हमारे जो, जो जोड़ों में वाक्य दिए गए थे उनका जो बी वाले वाक्य थे वो सब थे इनडायरेक्ट स्पीच स्टूडेंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसे नरेशन भी कहते हैं ये इंग्लिश ग्रामर का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर सिक्स मेक कंपेरिटिव फॉर्म्स बाय एडिंग मोर एन एग्जाम्पल तो आपको कंपेरेटिव फॉर्म्स बनाने हैं मोर जोड़कर यानी जो एब्जेक्टिव यानी विशेषण आपको दिए जाएंगे आपको उनके पहले मोर जोड़ना है और ऐसा करने से उसकी कंपेरेटिव फॉर्म बन जाएगी एक उदाहरण आपके लिए किया गया है स्टूडेंट्स जो पहला एब्जेक्टिव आपको दिया गया है वो है इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण तो स्टूडेंट्स जब हमें इस इम्पोर्टेंट वर्ड या हम कहें तो इस एडजेक्टिव की कंपेरिटिव फॉर्म बनानी है तो हमें क्या करना है हमें इस एडजेक्टिव के पहले इस वर्ड के पहले लिखना है मोर और मोर के साथ जब हम इसे लिखेंगे तो ये कंपेरेटिव फॉर्म में आ जाएगा जिसका मतलब होगा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण ठीक इसी तरह से जो तीन और वर्ड्स आपको दिए गए हैं यूजफुल यानी उपयोगी फेमस यानी प्रसिद्ध और इंटेलिजेंट यानी होशियार तो स्टूडेंट्स जब हम यूजफुल को कंपेरेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम यूजफुल के पहले मोर लिखेंगे तो ये बनेगा मोर यूजफुल यानी और भी ज्यादा उपयोगी इसी तरह से फेमस मतलब प्रसिद्ध जब हम फेमस को कंपैरेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा मोर फेमस यानी और भी ज्यादा प्रसिद्ध इसी तरह से इंटेलिजेंट यानी होशियार और इसका कंपेरेटिव फॉर्म होगा मोर इंटेलिजेंट यानी कि और भी ज्यादा होशियार नाउ कंप्लीट द द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स स्टूडेंट्स न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स यानी अभी जो नए आपने शब्द फॉर्म किए हैं यानी बनाए हैं उन शब्दों की सहायता से उन शब्दों के साथ आप ये जो सेंटेंसेज अब आप आगे देखेंगे आपको उनको कंप्लीट करना है यानी पूरा करना है तो स्टूडेंट्स अभी मोर लगाकर जो नए वर्ड्स आपने बनाए जैसे कि मोर important यानी ज्यादा महत्वपूर्ण मोर यूजफुल ज्यादा उपयोगी मोर फेमस ज्यादा प्रसिद्ध या मोर इंटेलिजेंट ज्यादा होशियार तो इन शब्दों की सहायता से आपको ये जो वाक्य है इन्हें पूरा करना है यानी जो ब्लैंक है जो रिक्त स्थान है उसमें आपको ये जो अभी आपके वर्ड्स बने हैं इन्हें फिल करना है वेल्थ स्वास्थ्य हेल्थ यानी स्वास्थ्य और वेल्थ मतलब धन तो स्वास्थ्य जो है वो धन से ज्यादा तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्वास्थ्य धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेल्थ इज मोर देन द वेल्थ जो सेकेंड नंबर का सेंटेंस है विलियम शेक्सपियर इज देन जॉन मिल्टन विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन से ज्यादा तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन ये दोनों ही इंग्लिश के बहुत ही जाने माने राइटर्स हैं तो स्टूडेंट्स लेकिन विलियम शेक्सपियर जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है जॉन मिल्टन से भी ज्यादा प्रसिद्ध तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर इज मोर फेमस दैन जॉन मिल्टन थर्ड नंबर पर जो सेंटेंस है वो है अ चिमपैनजी इज दैन अ टू ईयर ओल्ड चाइल्ड एक चिंपेन् दो साल के बच्चे से ज्यादा होता है तो स्टूडेंट्स एक चिंपांजी दो साल के बच्चे से ज्यादा होशियार होता है तो यहाँ हम लिखेंगे मोर इंटेलिजेंट और स्टूडेंट्स लास्ट सेंटेंस है अ मैप इज अ डिक्शनरी वाइल्ड ट्रैकिंग ट्रैकिंग के दौरान एक मैप यानी एक नक्शा एक डिक्शनरी से ज्यादा स्टूडेंट्स तो जब हम ट्रैकिंग के लिए जाएंगे या कोई भी व्यक्ति अगर ट्रैकिंग कर रहा होगा तो उस वक्त उसके लिए एक डिक्शनरी उतनी यूजफुल उतनी उपयोगी नहीं होगी जितना कि एक नक्शा तो यहाँ हमें लिखना चाहिए अ मैप इज मोर यूजफुल देन अ डिक्शनरी वाइल्ड ट्रैकिंग स्टूडेंट्स ट्रैकिंग आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रही है ये लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर सेवन रीड द फॉलोइंग स्टोरी आगे आने वाली कहानी को पढ़िए एक एक चार बेटे थे They were ऑलवेज क्वारलिंग with ईच अदर स्टूडेंट क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना वे एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ा करते रहते थे वन डे सिक एक दिन बूढ़ा किसान फैल सिक यानी बीमार पड़ गया ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमंग हिट सन्स उसने निश्चय किया या निर्णय लिया कि वह अपने बेटों के बीच यूनिटी यानी एकता लाएगा He called his sons and asked them to bring a few sticks. Usne apne beto ko bulaya and asked them or कहा to bring a few sticks. Sticks yani chadiya ki kuch chadiya lekar आए. They brought the sticks. We chadiya आए. The farmer gave one stick to each and asked them to break it. किसान ने एक छड़ी प्रत्येक को दी और उनसे कहा उसे तोड़ने के लिए ईच ऑफ एबल टू डू इट इजीली उनमें से प्रत्येक बेटा ऐसा आसानी से करने के योग्य था यानी प्रत्येक बेटे ने एक एक छड़ी आराम से तोड़ दी फार्मर आस्ट वन ऑफ हिज सन्स टू टाई दम इन अ बंडल तब किसान ने अपने एक बेटे से उनको एक बंडल यानी एक गट्ठर में बांधने के लिए कहा स्टूडेंट्स टाई का मतलब है बांधना ही देन आस्क देम टू ट्राई एंड ब्रेक इट तब उसने उनसे कहा कि वो कोशिश करें और उसे तोड़े यानी अब बूढ़े किसान ने अपने बेटों से उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा Each of the the sons tried to break the bundle, but they failed. उसके बेटों में से प्रत्येक ने उस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे तो स्टूडेंट्स इस तरह से बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटों को ये दिखा दिया कि एकता में ही शक्ति है क्योंकि उसके बेटे एक एक लकड़ी को तोड़ पाए लेकिन उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाए स्टूडेंट्स तो इस कहानी का मैसेज है यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी संगठन में शक्ति है तो स्टूडेंट्स अब इस स्टोरी के आधार पर जो एक्टिविटी है उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या करना है राइट अ सेंटेंस इच अंडर द पिक्चर्स एंड देन रीटेल द स्टोरी स्टूडेंट्स हमें निर्देश दिया गया है कि हम एक वाक्य हर पिक्चर के नीचे लिखें यानी ये जितने भी चित्र हमें दिए जाएंगे उनके नीचे हम एक एक वाक्य लिखे और फिर इस कहानी को रिटेल यानी दोबारा सुनाए तो स्टूडेंट्स पहला जो पिक्चर है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है इसमें ये ये जो ओल्ड फार्मर है ये अपने एक बेटे को एक छड़ी यानी एक स्टिक दे रहा है तो यहाँ जो सेंटेंस हम लिखेंगे वो हो सकता है द फार्मर गिव वन स्टिक टू ईच सन एंड आस्ट टू ब्रेक इट किसान ने एक छड़ी प्रत्येक बेटे को दी और उसे तोड़ने के लिए कहा स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें आप बेटे को छड़ी आसानी से तोड़ते हुए देख रहे हैं तो यहाँ इस पिक्चर पर हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं प्रत्येक बेटे ने आसानी से छड़ी तोड़ दी स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है उसमें ये ओल्ड मैन या हम कहें ये ओल्ड फार्मर अपने प्रत्येक बेटे को लकड़ियों का यानी स्टिक्स का बंडल यानी गट्ठर दे रहा है तो यहाँ इस पिक्चर के नीचे हम लिख सकते हैं ओल्ड मैन गिव ईच सन अ बंडल ऑफ द स्टिक्स स्टूडेंट्स अब जो पिक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है उसमें जो ओल्ड मैन का बेटा है वो उस बंडल को तोड़ने में अनेबल यानी असमर्थ है तो स्टूडेंट्स यहाँ इस पिक्चर के नीचे हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं नो सन कुड ब्रेक द बंडल ऑफ द स्टिक्स कोई भी बेटा उस छड़ियों के को नहीं तोड़ पाया तो स्टूडेंट्स अब आइए इस स्टोरी को हम दोबारा से सुनाते हैं एन ओल्ड फार्मर हैड फोर सन्स एक बूढ़े किसान के चार बेटे थे They क्वेरल with ईच अदर वे एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू टीच them द लेसन ऑफ यूनिटी बूढ़ा व्यक्ति उन्हें एकता का पाठ पढ़ाना चाहता था ही asked them टू ब्रिंग सम स्टिक्स उसने उन्हें कुछ छड़ियां लाने के लिए कहा दे brought द स्टिक्स वे छड़ियां ले आए द ओल्ड मैन आस्ट ईच सन टू ब्रेक वन स्टिक बूढ़े व्यक्ति ने प्रत्येक बेटे को एक छड़ी तोड़ने के लिए कहा ईच सन ब्रोक वन स्टिक इजीली प्रत्येक बेटे ने एक छड़ी आसानी से तोड़ दी देन द ओल्ड मैन देम टू टाई देम इन बंडल तब बूढ़े व्यक्ति ने उनसे उनको यानी उन छड़ियों को एक गट्ठर में बांधने के लिए कहा सन्स टाइड द स्टिक्स इंटू अ बंडल बेटों ने छड़ियों को एक गट्ठर में बांध दिया देन दैन देम टू ब्रेक द बंडल फिर बूढ़े व्यक्ति ने उनसे उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा प्रत्येक बेटे ने उसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा दस man टॉट हिज सन्स दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति ने बेटों को सिखाया कि संगठन ही शक्ति है स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं इस यूनिट की एक्टिविटी नंबर एट राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन आवर कंट्री हमारे देश में प्रसिद्ध विभिन्न फूड आइटम्स यानी खाने की चीजों के नाम लिखिए तो स्टूडेंट्स खाने की कई चीजें हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है इसमें हम कई फूड आइटम्स के नाम लिख सकते हैं तो स्टूडेंट्स कुछ फूड आइटम्स जो कि इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाते हैं अभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे जैसे पंजाब के छोले भटूरे पूरे इंडिया में फेमस समोसा पानी पूरी जो कि पूरे इंडिया में एक फेमस फूड आइटम है दाल बाटी जो कि राजस्थान में बहुत फेमस है कढ़ी ये भी राजस्थान में फेमस है रस मलाई इसी तरह से पोहा जो कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है लिट्टी चोखा जो कि बिहार में बहुत फेमस है इसके बाद ढोकला जो कि गुजरात का एक जाना माना और काफी पॉपुलर फूड आइटम है स्टूडेंट्स हमारे इंडिया में ऐसे हजारों फूड आइटम्स हैं जो आप यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद इसे पूरी तरह से पढ़ने के बाद आपकी वोकेबलरी कितनी रिच हुई यानी आपने कौन से नए वर्ड्स आज की क्लास में सीखे स्टूडेंट्स आज आपने सीखा कि यूनिटी का मतलब होता है एकता या संगठन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं सर्वे मतलब सर्वेक्षण हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा स्पोकन यानी बोली जाने वाली या बोली गई ऑफिशियल मतलब आधिकारिक कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना ग्राउल मतलब गुर्राना शाउटिड मतलब चिल्लाया हायना यानी लकड़बग्घा सन यानी बेटा क्वारल मतलब झगड़ा करना डिसाइड मतलब निश्चय करना स्टिक यानी छड़ी ब्रेक मतलब तोड़ना easily मतलब आसानी से टाई मतलब बांधना और फेल मतलब असफल होना तो स्टूडेंट्स यहाँ आपकी वर्कबुक की यूनिट नंबर इलेवन जिसका नाम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स आई होप आज की ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी यूजफुल रही होगी और इस क्लास के बाद आपने कई नए वर्ड्स और कई नई चीजें सीखी होंगी जो आप पहले नहीं जानते थे स्टूडेंट्स जो भी नए वर्ड्स आपने इस क्लास में सीखे जो भी नई बातें आपको अभी पता चली आप उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और अच्छी तरह से सीख लीजिए और स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो भी नए वर्ड्स आप सीखते हैं लिखते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उन नए वर्ड्स के साथ आप छोटे छोटे आसान वाक्य खुद से बना सकें ऐसा करने से न केवल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा साथ ही साथ आप कोई इन चीज़ों की प्रैक्टिस होती रहेगी ये नए वर्ड्स आप भूलेंगे नहीं और फिर धीरे धीरे ये आपके स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होने लगेंगे कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग गुड लक जय हिंद